कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी ने पूरे देश को मानो हैरान कर दिया है। छापेमारी के दौरान आयकर विभाग को इतने पैसे मिले कि उन्हें गिनने के लिए उन्हें 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग चुका है और अब तक 160 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की जा चुकी है। आयकर विभाग को इस दौरान कई अलमारियां नोटों से भरे हुए मिले और जिससे गिनने में आयकर विभाग के पसीने छूट गए। पीयूष जैन के घर के बाहर भी नोटों से भरे कई बक्से रखे हुए थे और आयकर विभाग की टीम उन्हें ले जाने तक के लिए परेशान हो रही थी। आपको बता दें, कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर पर DGGI और इनकम टैक्स ने गुरुवार को छापा मारा था। इस दौरान अलमारियों में इतने पैसे मिले कि नोट गिनने वाली मशीन मंगानी पड़ी थी। ये छापेमारी करीब 24 घंटे से ज्यादा समय से चल रही है। पीयूष जैन के घर के बाहर नोटों के बंडल का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें, नोट गिनने के लिए जो मशीनें मंगाई गई वो भी ट्रक में मंगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक पहले यह छापा अहमदाबाद के DGGI यानी कि GST इंटेलिजेंस महानिदेशालय की टीम ने डाला था, लेकिन जब पीयूष जैन के यहाँ नोटों का अंबार मिलने लगा तो इनकम टैक्स को भी इसमें शामिल कर लिया गया। नोटों को गिनने के लिए 4 मशीनें मंगानी पड़ी और 24 घंटों से ज्यादा का वक्त निकल जाने के बाद भी नोटों की गिनती मानो जारी है। अधिकारियों के मुताबिक करीब 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कर चोरी का मामला सामने आया था। हाल ही में लॉन्च हुई समाजवादी परफ्यूम को लेकर भी अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि पीयूष जैन की करीब 40 कंपनियां हैं, जिनमें 2 मिडिल ईस्ट में भी हैं। इनका इत्र कन्नौज में बनता है, वहीं मुंबई में भी इनका एक शोरूम है जहाँ से इत्र को पूरे देश में बेचा जाता है, साथ ही विदेश में भी निर्यात किया जाता है। पीयूष जैन को कन्नौज का एक बड़ा इत्र कारोबारी भी माना जाता है। आपको बता दें, कारोबारी के घर नोट गिनने की और 2 मशीनें भी मंगाई गई थी और अब तक कुल 8 मशीनों के द्वारा नोटों की गिनती जारी है। टीम ने 8 टीन के बक्से और 100 ताले समेत कंटेनर मंगवाए हैं। इसके अलावा अधिकारियों ने पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन को भी कस्टडी में ले लिया है।